नीति आयोग द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के मुताबिक महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों के पोषण के क्षेत्र में चंबा जिले ने देश भर में बेहतरीन कार्य किया है। चंबा जिला देश के 115 पिछड़े जिलों की सूची में शुमार है और इस कार्य में ये जिला देश भर में अव्वल रहा है। इस वर्ष फरवरी और मार्च महीने में करवाए गए सर्वेक्षण के मुताबिक चंबा जिले में महिलाओं का स्वास्थ्य और बच्चों का पोषण देश भर के सभी पिछड़े जिलों में बेहतर पाया गया है। चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देना और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार मुहैया करवाना प्रशासन की प्राथमिकता रही है। इस बार रैंकिंग एक पूरे देश में फर्स्ट आना जो है इतने गर्व की बात है, क्योंकि रिमोट एरियाज हैं। एक तो हम इसमें प्रपोज कर रहे हैं कि इसमें मोबाइल मेडिकल यूनिट्स MMUs, इसमें 4 या 5 जो हैं वो स्पेशल तौर पे विद टेस्टिंग फैसिलिटीज़ इसको चंबा के दूर दराज क्षेत्रों के लिए किया जाए। एक हमारे यहाँ IEC कैंपेन जो है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपेन है, इसको बड़ा फोकस्ड करना पड़ेगा। इस कार्य में आंगनवाड़ी केंद्रों का अहम योगदान रहा है। पिछले 1-2 वर्ष में बच्चों को कुपोषण से दूर करने और उनकी सेहत की देखभाल करने को लेकर जिले में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की मेहनत से ही जिले ने ये उपलब्धि हासिल की है। हमारा चंबा जिला पिछड़ा घोषित किया गया था, वो इस साल हमारे चंबा जिले को पोषण के अभियान के तहत फर्स्ट प्राइज मिला है। और इसमें हम आंगनवाड़ियों को, ज़्यादातर मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से सारे चंबा जिले में लोगों को, हमने रैलियाँ निकाली, स्कूल में रैलियाँ निकाली और लोगों को घर घर जाके जागरूक किया। हमारे यहाँ साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है, बच्चों को खाने पीने का सारा अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, खाने पीने का, बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हम। यहाँ पे क्लीनलीनेस भी काफ़ी अच्छी है और खाना भी अच्छा प्रोवाइड कराते हैं, पानी भी साफ होता है, इनके बर्तन भी अच्छे हैं और बच्चों के खेल कूद का भी पूरा ख्याल रखते हैं, पोषण पे भी खास ख्याल रहता है इनका, और कभी खिचड़ी कभी दलिया, अच्छे बिस्किट, साफ़ सुथरा सब ऐसे प्रोवाइड कराते हैं, चने। हमारे चंबा जिला में जितनी भी आंगनबाड़ियाँ हैं वहाँ सभी जगह अच्छे से बच्चों की सेहत का, उनके पोषण का ध्यान रखा जाता है। चंबा जिले को स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। DD News के लिए चंबा से विकास ठाकुर की रिपोर्ट।